वेलकम टू एच जी एन आर स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज हमारी स्टेनो की जो स्वर की क्लास है उसमें हमने पिछली क्लास में हल्के डैश किए थे, आगे वाले क्लास में हम करेंगे मोटे डैश। तो मोटे डैश हैं वो भी तीन प्रकार के हैं, प्रथम ऐसे बनता है, द्वितीय ऐसे बनता है और तृतीय ऐसे बनता है। इसको पढ़ते हैं प्रथम स्थान, इसको पढ़ते हैं द्वितीय स्थान और इसको पढ़ते हैं तृतीय स्थान। ठीक है, ये प्रथम स्थान कहलाता है। प्रथम स्थान क्या कहलाता है? आ। और द्वितीय स्थान क्या कहलाता है? ओ और औ। तृतीय स्थान जो है वो क्या कहलाता है? ऊ और औ। तो इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय तीन स्थान हो गए। जैसे हमने हल्के डैश में क्या किया था, अ प्रथम होता है, ए द्वितीय होता है, ई तृतीय होता है। इसी तरह मोटे डैश में आ ओ आओ ऐसे होता है। तो इसमें भी जो नियम उसमें था, नियम आपके ऊपर पहले आएगा तो स्वर पहले पढ़ा जाएगा, वो ही नियम सेम इसमें ही लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग ले लेता हूँ, ग को मैं डार्क रूप से बनाता हूँ और मैंने ये ग बना दिया है। अब मैं इसके आगे की तरफ यहाँ लगा दिया, मैंने ये क्या पढ़ा जाएगा? आग। अगर मैंने ग एक फिर और बना दिया और मैं इसके नीचे की तरफ लगा देता हूँ तो ये मात्रा गा की मात्रा, आ की मात्रा जो है वो ऊपर लगाने पर इसके आगे जुड़ गई, पीछे लगाने पर इसके पीछे जुड़ गई। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप व्यंजन बनाते हो, जैसे ये बाएं से दाएं जा रहा है तो ये इसका मात्रा जो है वो अपोजिट हो जाएगी। मान लो टै ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये मात्रा जो है वो इसके अपोजिट हो जाएगी, ऐसी आठ। और पीछे लगाएंगे तो ये इसके पीछे लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा? टा। ठीक है, तो इसी तरह आगे की जो मात्रा है वो सेकंड स्थान की ओ कहलाती है। यहाँ पर मैं एक वक्र रेखा बना के दिखा देता हूँ आपको, जिसे हम नेक ऊपर से नीचे ऐसे बनाते हैं, यहाँ इसके बीच में लगा देते हैं मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? ओन। और ये इसके नीचे लगाएंगे तो ये नो बन जाएगा। परंतु आपको इसको ध्यान रखना कि जैसे क बना दिया तो जैसे मान लो ये क है, क है, तो ये मात्रा इसके साथ ऐसे नहीं लगानी। जैसे मैं है तो मैं के साथ मात्रा ऐसे नहीं लगानी। जैसे च है, जैसे च आ गया, च के साथ मात्रा ऐसे नहीं लगानी, मतलब इसको अपोजिट लिखा जाएगा, इसलिए ध्यान से लिखना। ठीक है, अब आगे देखो, हम यहाँ लिखते हैं प। प के साथ ये मात्रा मैंने आगे लगा दी, ये क्या पढ़ा जाएगा? ओ। ये मात्रा इसके पीछे लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा? पो। तो ऐसे आपको अभ्यास करना है। अब है तीसरे स्थान की मात्रा ई या उ। अब हम कोई अलग व्यंजन लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक व बनाना है, ये बन गया ब और मैं इसके यहाँ ऊपर, क्योंकि ये इसके आगे है, क्योंकि पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तृतीय यहाँ से। और आपको पहले ही बताया गया कि जहाँ से व्यंजन शुरू होगा प्रथम द्वितीय तृतीय वहीं से शुरू हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे? उ और व उब। जैसे ही ये इसके नीचे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? व के साथ छोटी मात्रा भी जुड़ सकती है और व के साथ बड़ी मात्रा भी जुड़ सकती है। तो इसी तरह आगे हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे ये मैंने च को थोड़ा सा बना दिया और इसको काट दिया, ये छ बन गया। अब मैंने इसके आगे लगा दिया, ये क्या बन गया? उच्च। जैसे मैं इसके पीछे लगाऊंगा, ये क्या बन जाएगा? छू। समझिए, तो तीन स्थान बनते हैं मोटे डैश में, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान। प्रथम स्थान को क्या पढ़ते हैं? आ। द्वितीय स्थान को क्या पढ़ते हैं? ओ और औ। तृतीय स्थान को क्या पढ़ते हैं? ऊ और ई। ऊ। तो एक्सरसाइज जो है वो वही कैसे करनी है जैसे हमने पिछले लेसन में किया था, सेम वही करना है। जैसे आपको छः, हर व्यंजन की छः आउटलाइन बनानी है। जैसे मैंने क बना रहा हूँ मैं यहाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक दो तीन, ये तीन बन गए। अब तीन इधर और बना लेते हैं, एक दो और ये तीन। ठीक है, अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ, ये क्या पढ़ा जाएगा? आग। और ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ये क्या पढ़ा जाएगा? ओग। ये मैं इसके पीछे लगा देता हूँ, ये क्या पढ़ा जाएगा? उग। और जैसे मान लो इसके मैंने नीचे लगा दिया, ये क्या हो जाएगा? गा।
और ये बीच में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा गो, और ये हो जाएगा गो। तो इसी तरह से आपको आगे पहले क बनाना है, फिर ख बनाना है, फिर ग बनाना है, फिर च बनाना है, फिर छ बनाना है, फिर ट बनाना है, फिर वक्ररेखाएँ बनानी है। इसी तरह से बना के जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर PDF सेंड की है, उसमें आपको पता है कि किस प्रकार से हमने हल्के डैश बनाए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही मोटे डैश बनाने हैं। अब आपको स्वर जो है वो हल्के डैश और मोटे डैश करवा दिए गए हैं, तो आपको जितने भी पीछे वाली एक्सरसाइज है वो आपको रिवाइज कर लेना है, और आगे हमारा एक नया चैप्टर चलेगा जिसको हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।